हेलो दोस्तों, राकेश यूपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम यूपी जौनपुर शहर में आए हुए हैं। दोस्तों, जो हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं, ये जामी मस्जिद का व्यू है। जामी मस्जिद या जामा मस्जिद या बड़ी मस्जिद, इसे कई नामों से जाना जाता है। देखिए कितनी खूबसूरत सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अब इसी सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि 27 सीढ़ियाँ हैं। अब हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। अंदर एंट्री कर चुके हैं मस्जिद के। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितनी नक्काशीदार कोने के द्वारा इस मस्जिद का डिज़ाइन किया गया है। देखिए वास्तव में उस समय भी क्या तकनीकी तथा किस विधि से बनाया जाता था, जो आज भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। देखिए क्या डिज़ाइन, क्या खूबसूरती के साथ यहाँ पे बरामदा नुमा कमरे बने हुए हैं। हम आपको पूरे मस्जिद का व्यू दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये जो मस्जिद है, इसकी नींव इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा रखी गई थी और इसके पूरा होने के कई साल लग गए थे। अतः यह 1470 में हुसैन शाह नामक सरकी के अंतिम सम्राट कार्य समाप्त किया गया था। यहाँ पे देखिए एक पक्का कुआं है जो कि जाली से इस समय बाउंड्री करके ढांक दिया गया है। यहाँ हर शुक्रवार को इस मस्जिद में नमाज अदा किया जाता है। यहाँ पे कुछ जगह छत बिछत हो गए हैं, कार भी चल रहा है। जौनपुर की जामा मस्जिद में कई आकर्षण विशेषताएं हैं जो कि इसकी सुंदरता को उजागर करती है। पूरी इमारत 6 मीटर ऊंचे चबूतरे पर खड़ी है। इस मस्जिद में 4 प्रवेश द्वार हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ अंदर हाल है। मुख्य प्रवेश द्वार पर तोरण के आकार का एक सुंदर 2 मेहराब द्वार है जो कि खूबसूरत एवं डिजाइन किया गया है। जो आपको ये सामने व्यू दिखाई दे रहा है, अंदर अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। इस मस्जिद के अंदर जो आयताकार हाल है जहाँ नमाज अदा की जाती है, यह 11.4 मीटर के व्यास वाले एक गुम्बद से ढका हुआ है। हाल के किनारों पर सुरंग के मेहराब हैं। गुम्बद में छोटी छोटी खिड़कियाँ मौजूद हैं जिनके माध्यम से सूरज की रोशनी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करती है और एक शानदार व्यू बनता है। जौनपुर की जामा मस्जिद को अद्भुत रूप से सजाया गया है। इसकी सजावट ज़्यादातर मस्जिद के आंतरिक एवं बाहरी दीवारों पर पाई जाती है। देखिए कितना खूबसूरत एक जलाशय बना हुआ है जो कि खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी मेरा देने का तरीका आप लोग को पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को नमस्कार एवं धन्यवाद।